अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय रूटीन लाइफ। तो अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा कि भाई को शील्ड मिल रही थी, तो किस लिए मिल रही थी, अब वो आप लोग आगे जाके देखिएगा। और आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। तो भाई 11th 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फेयरवेल पार्टी थी, और इस खुशी में उनको पार्टी दी जा रही थी इस रेस्टोरेंट में। तो भाई को भी शील्ड इसलिए मिली क्योंकि वो यहाँ के सर हैं, और हमें भी इन्होंने इनवाइट किया था तो इसलिए हम लोग भी यहाँ पर आए थे। और भाई को शील्ड मिल रही थी और हमें बहुत खुशी हो रही थी। बाकी आप आगे जाके देखिएगा, ये इनका सेटअप हुआ था। तो भाई आपको इनका गाना कैसा लगा वो आप लोग खुद बताएगा। और ये मेरे भाई को देखें जरा, माशाल्लाह कितने प्यारे 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 लग रहे हैं। और हम लोग आए थे सुपर हाईवे हेरिटेज रेस्टोरेंट, इसका नाम था हेरिटेज। और यहाँ पे मैं घूम रही थी, बहुत प्यारा बना हुआ था, लाइटों से एकदम सजा हुआ था और हवा भी एकदम ठंडी ठंडी चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यार। ये बहुत प्यारी जगह थी, पिक्चर्स लेने के लिए तो बेस्ट थी। और जो है मैं तो खैर वीडियो बना रही थी इसलिए मैंने अपनी भी पिक्चर्स नहीं ली। उसके बाद हम लोग चले गए थे इसकी छत पे, और छत तो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। तो अभी आप देखें, और छत पे जो समंदरी हवाएं चल रही थी, ओहो बड़ा मज़ा आ रहा था वैसे। तो यहाँ पे पार्टी चल रही थी और इतने सारे स्टूडेंट्स आए थे, इनकी चार बड़ी वाली कोच डेवो घर के आई थी। और यहाँ से छत से देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो अजान का टाइम था इसलिए इन्होंने थोड़ी देर के लिए रोक दिया था, और सब अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। और फिर थोड़ी देर में इन्होंने फिर से अपना फंक्शन शुरू कर दिया था।
तो भाई आप लोग हमें इसी तरह इनवाइट करते रहें ताकि हम आपको नई नई जगह नई नई प्लेस दिखाते रहें और हम खुद भी इंजॉय करें और आपको भी इंजॉय करवाएं। और दूसरी बात ये कि जिसको लगता है कि मैं वीडियो में अपने आप को ज़्यादा दिखाती हूँ तो उससे मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई मेरा चैनल है, मेरी मर्ज़ी, मैं अपने आप को दिखाऊँ ना दिखाऊँ तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। चलें अब हम लोग नीचे आ गए थे और आप लोग देखिए डांस। तो भाई अब यहाँ पे सबको मिल रहे थे गिफ्ट और शील्ड वगैरह। तो बारी बारी जो स्टूडेंट थे जिन्होंने अच्छे पेपर्स दिए, जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था, उन सभी का नाम ले लेके बारी बारी सब बुला रहे थे और उनको दे रहे थे अपनी तरफ से गिफ्ट। नामीन उनका ताल्लुक कॉमर्स से है लेकिन उन्होंने मैट्रिक में बहुत अच्छे एवरेज ग्रेड्स लिए। अदीना तारिक जिसकी 94%। हुरैन अजीज, हुरैन अजीज, अच्छा सब छोड़ो, लास्ट पेपर बताओ, 4 तारीख है ना, उसी दिन रिसेप्शन रखेंगे भाई, मतलब सभी साथी भी तक सही है। अब हम भी स्टूडेंट्स हैं, सही है, शादियां या बोर्ड, जाहिर सी बात है शादियों में जाएंगे, शादियां बार बार तुम्हें आती, बोर्ड एग्जाम तो होते रहेंगे, आज नहीं तो कल दोबारा कर दे देंगे, मजे वाली बात नहीं, जिंदगी पड़ी है भाई। अब जरा मैं बताती हूँ अंदर की बातें, अब भाई रेडी रहना, थोड़ा आवाजें चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। देख रही होंगी आपको कब से, अब आपको हर शादी में एक आंटी जरूर मिलेगी जिनका लड़का आपसे 2 साल बड़ा होगा, सही है, होता है ना। अब भाई हम सुखम कोचिंग जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हमें पेपरों का पता ही नहीं है, ये आंटी है जो हमें याद दिलाती है। मैंने भी फिर बोल दिया हाँ अभी मैं खाना छोड़ के पढ़ने चली जाती हूँ, अच्छा हुआ याद दिलाती हूँ, सही है भाई, थोड़ा याद करने दो। टीचर टेस्ट लेना था आपको, भाई क्या हो गया, उनको पता है उनके अंदर सेंस है, तुम क्यों याद दिला रहे हो। अब देखो वो अपनी जान के हथियार पीछे तैयार है, बैक बेंचर चाकू चूरी सब निकली हुई है भाई। नोटिस मिलने का तारा रहा लेकिन इस हाले उल्फत से जाने क्यों डरता रहा, मैंने बताई उसको दिल की बात, वो मान गई, सारा किया के देगी साथ, मैंने भी भेजा फिर घर वालों को अगली रात, देंगे जब इनके बाद आया जवाब, उनका फाइनेंशियली वीक है तू, लड़का कोई खास नहीं है, भेजा तो ठीक है तू, रहने की कोशिश मनाने गया घर पे उसको, पर वो ही तू बोली, अब ऑल कंट्रोल डिलीट है तू, रेत के जरूर सा बिखरा उसके जाने के बाद, आती है आज की हर लम्हा, सच्चा वो ही होता है जो करता है दिल बर्बाद। गर्ल्स गेट पे बहुत पहुंच तो भाई खाने वाने के बाद इन्होंने थोड़ा बहुत इंजॉय किया, गाने वाने सुने और बहुत मज़ा आया। अब यहाँ पे हो चुकी थी पार्टी ख़त्म, सब जा रहे थे अपने घरों की तरह और हम लोग भी बाहर जा रहे थे। तो भाई हमें तो आया बहुत मज़ा, आपको आया कि नहीं वो भी आप मुझे बताएगा, और हम लोगों को तो खैर बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत कुछ था दिखाने के लिए पर वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट करके दिखाया। और बाकी मैं भी आपको पूरा अंदर से दिखा देती हूँ इस तरह से बना हुआ है, और
एक हिस्सा इन्होंने अपने स्टूडेंट के लिए लिया हुआ था, बाकी सब जो फैमिलीज वगैरह आती हैं रेगुलरली उनके लिए था। भाई मेरे टीचर हैं इसलिए हमें भी उन्होंने इनवाइट किया था, बाकी सब स्टूडेंट्स थे और सिर्फ उन्होंने हमें ही इनवाइट किया था और किसी सर की फैमिली को इनवाइट नहीं किया था, तो इसलिए क्योंकि भाई जो हैं जो वहाँ के ऑनर हैं उनके ज़्यादा चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं भाई को, शायद इसलिए उन्होंने हमें बुलाया था। और आप मुझे बताएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में बहुत याद रखें, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अल्लाह।